नमस्कार मित्रों, मैं एसके पाठक सीनियर न्यूरो थेरेपिस्ट। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, सिस्टोलिक बीपी हाई रहता है, ऊपर वाला बीपी हाई रहता है, उसके लिए यूनिक टेक्निक जो हम थोड़े समय करेंगे, छोटा सा ट्रीटमेंट से, उससे ही आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे करके डाउन आ जाएगा। तो आपको लगातार कुछ दिन करना पड़ता है, देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले थोड़ा टेलकम पाउडर लें और गर्दन पे दोनों साइड इधर और इधर लगाएं, यहाँ कान के पीछे से और यहाँ तक, ऐसे गर्दन सीधी रखें, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पहले लेफ्ट फिर राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बार इधर करना है, 20 बार इधर करना है और उसके बाद देखेंगे। आप ये पिल्लो ले लें और हमारे घुटने के नीचे लगाना, घुटने से नीचे इस तरह से लगाएंगे और हमें ये 6-6 सेकंड के लिए, नंबर दो 6-6 सेकंड के लिए यहाँ प्रेशर देना है, 1 2 3 तीन पॉइंट्स में और ये 6 बार करना है, 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड। छह सेकंड के लिए हमें तीन पॉइंट्स में 6 बार करना है, 5 हो गए, 6। उसके बाद तीसरा स्टेप में वो देखेंगे, लेफ्ट थाइस पे हमें 3 पॉइंट्स में 1 2 3 ऐसे 3 बार करना है, 6-6 सेकंड के लिए। बस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बस। ये छोटा सा ट्रीटमेंट आपके सिस्टोलिक बीपी को तुरंत नॉर्मल कर देगा। आप इसे करके देखें, आप अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सब लोग इस ट्रीटमेंट का फायदा लें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। धन्यवाद।